चिकसाना क्षेत्र के गांव नौगाया में गुरुवार यानी कि कल पुलिस के पहरे में निकल रही दलित बेटी की बारात में विवाद बढ़ गया। गांव के कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और पथराव किया। दीवार पर बैठे कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद बारात पर पथराव किया। दीवार गिरने से पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पथराव में दो व्यक्ति घायल हुए हैं। गनीमत रही कि वधू परिवार ने पहले ही झगड़े की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराकर सुरक्षा की मांग की थी। इसके चलते ये बारात पुलिस के पहरे में निकल रही थी। करीब 100 पुलिसकर्मी, DST और QRT टीम की मौजूदगी में पथराव हुआ है। फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। उत्पात मचाए जाने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कि नौगाया गांव में आज तक ऐसी समाज की कोई बारात दर्शन नहीं निकली थी, तो उनको ये आशंका थी कि हमारी हम बारात को निकालेंगे तो हमारे कोई व्यवधान करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। SDM साहब सतपुर यहाँ मुख्य मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, लोकल CO, एडिशनल SP, SD और जाब्ता मौजूद है। हाँ, मैं पूरी तरह जानती है ऐसी अभी कोई ऐसी बात नहीं। परेशानी ये है कि सर, मैं अपनी सिस्टर की शादी कर रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य यह है कि थोड़ा जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं और अपने नौगाया गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, तो नौगाया गांव में जो और भी समाज के लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से उनकी जो बारातें निकलती हैं पूरे गांव में उकर के, तो हमारी भी बारातें निकलनी चाहिए सर। का ये मामला पहली बार ऐसा यहाँ पर मैंने एक ये कदम उठाया है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि उन लोगों की जैसे बारातें निकलती हैं तो हमारी भी निकले। धौलपुर के पचगांव पुलिस चौकी के पास बारातियों से भरा बेकाबू वाहन यहां पर पलटा है। वाहन बेकाबू होकर पलटा है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर्स ने घायलों में से एक बाराती को मृत घोषित किया है। 3 बारातियों की हालत नाजुक बने होने पर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। एक बाराती की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुरैना से बारात पुराने गांव जा रही थी। पचगांव पुलिस चौकी के पास चालक वाहन से संतुलन खो बैठा। बेकाबू वाहन डिवाइडर पर चढ़कर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। हादसे को लेकर सदर थाना प्रभारी ने कहा कि तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन से संतुलन खो बैठा। हादसे में 2 बारातियों की मौत हुई है। 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है।